हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। इस समय मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लिप लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 37 है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है 1985, 86, 87 और 88। इसमें लिखा है कि महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन गलत है। हम अगर आंसर की आएगी और जो भी हमारे पास आंसर होगा इसके लिए हम आयोग में याचिका दायर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है, इसके लिए हमें मार्क्स मिलने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन है कि स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 2006 में, और ये आंसर हमें यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो इसके लिए मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ। महिला और बाल विकास का मंत्रालय की खुद वेबसाइट पे इसका आंसर दिया हुआ है। मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे सकती हूँ, जब आप लोग याचिका दायर करें तो ये क्वेश्चन नहीं डिलीट हो तो आप लोग ये रेफरेंस दे सकते हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पेज है, इसमें मंत्रालय के बारे में जो दिया हुआ है तो प्रस्तावना में देखिए पहले ही लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास की स्थापना वर्ष 1985 में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी। 85 में इसके भाग के रूप में की गई थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कब स्थापना की गई थी। तो इस विभाग को 30 जनवरी 2006 से मंत्रालय के रूप में स्थानांतरित किया था। ये इसका रेफरेंस आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, और भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, भारत आपदा युक्त देश है। यहाँ आप देखिए इंग्लिश और हिंदी में मिस्टेक है। अब कोई हिंदी वाले है तो हिंदी में ही पढ़ेंगे ना, उन लोगों का ध्यान इंग्लिश में नहीं जाता है। इन लोगों ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है। भारत आपदा युक्त देश है और इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री। फ्री मतलब मुक्त देश है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, लेकिन ये लोग इंग्लिश वाला ही प्रेफर करते हैं तो आंसर ये लोग इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही देंगे। तो इससे हिंदी वालों को एक नंबर का घाटा हो सकता है जिन्होंने इंग्लिश का रेफरेंस नहीं लिया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।